पूसा सरकार को छोड़ा मामला है। पूसा थाना अंतर्गत कार्रवाई चल रही थी, हम लोगों को सूचना मिली थी कुछ अपराधी हथियार के साथ हथियारों की सप्लाई भी करते हैं और अन्य भी फर्जी दस्तावेजों का कार्य चल रहा है। इस क्रम में छापेमारी की गई है और तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों अपराधी हैं, एक मयूरेश कुमार उर्फ लक्की, निशांत उर्फ वीरू और मंजय यादव। इन तीनों से मनोज कुमार उर्फ मंजय यादव, इन तीनों से स्पष्ट हुआ है कि एक रैकेट चला रहे थे ये लोग, ये अपराधी हथियार की सप्लाई का और साथ ही फर्जी वोटर कार्ड और फर्जी आधार कार्ड बनाकर फर्जी नाम से सिम निर्गत कराने का, जो कि अपराधियों को घटना कार्य करने के लिए मुहैया कराया जाता था। इसमें मयूरेश कुमार उर्फ लक्की जो है पुराने क्रिमिनल, पहले भी इनके पास हथियार बरामद हुआ है, इनके पास से पुनः हथियार बरामद हुआ है। इन लोगों के पास से हम लोगों को फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर जो लोग यूज़ करते हैं वो, उस फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर जो फर्जी सिम निकाली गई उस सिम का पता चला है। करीब 20 फर्जी सिम लोगों के द्वारा निकाली गई हैं जो इन्होंने जिन अपराधियों को ये उपलब्ध कराई गई है वो भी पता चल गया है। तो एक अपराधियों का एक सिंडिकेट कार्य कर रहा था जो कि फर्जी वोटर कार्ड पहले बनवाते थे ये लोग और फिर उसके आधार पर सिम निर्गत कराते थे। इसमें रोल था लक्की का, मेन इसमें मयूरेश कुमार उर्फ लक्की है। ये क्या करता था, अपने एक साथी वीरू को ले जाता था किसी भी प्रिंटर वाले के पास और मंजय कुमार यादव के सहारे ये क्या करता था, समूह वाले जो होते हैं उनका आधार कार्ड प्राप्त करता था, उसमें से एपिक नंबर और होलोग्राम निकालता था, तत्पश्चात उसका यूज करके किसी मंजय यादव के नाम का जो व्यक्ति है उसके पास जाके उस एपिक नंबर और होलोग्राम के आधार पर एक वोटर कार्ड बनवा के उस पर ये एपिक नंबर और होलोग्राम चिपका करके उसको एक जेन्युइन वोटर कार्ड की शक्ल देता था। साथ ही इसने एक फर्जी आधार कार्ड भी तैयार किया गया था। इस फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर ही दुकान वाले के पास जाता था जहाँ से सिम निर्गत होती है और कोशिश करता था कि उस फर्जी वोटर कार्ड के आधार पर सिम निर्गत हो जाए और उस दुकान वाले को झांसे में लेकर के करीब 15-20 सिम इसने फर्जी निकलवाई हैं, जिसका भी हम लोगों को पता चला है, उससे बरामद भी हुई है और अपराधी भी किस किस अपराधी को ये सिम दी गई है वो पता चला है, किन घटनाओं में इनका उपयोग किया गया है ये भी पता चला है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तीनों को जेल भेजा जा रहा है। साथ ही अब ये हम लोग अभियान चला रहे हैं कि जिले में जितनी भी मोबाइल ऑपरेटर्स जो हैं सिम उपलब्ध कराते हैं जो, उनकी दुकान पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं या नहीं हो रही हैं तो फर्जी सिम अपराधियों को जो मुहैया कराई जा रही है और वो उसी सिम से अपराध कर रहे हैं, तो सभी दुकानों पर एक साथ छापेमारी भी होगी और उनका सत्यापन भी होगा कि आखिर ये किस तरह से फर्जी सिम उपलब्ध लोगों को कराई जा रही है। इस रैकेट का खुलासा हुआ है, मयूरेश कुमार उर्फ लक्की, निशांत कुमार और मंजय के इर्द गिर्द ये रैकेट घूमता है। थैंक यू।